अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे शहर में एक चर्चा का मौजू है जिसके ऊपर काफ़ी तबसरे हो रहे हैं। अभय पाटिल नाम खुलकर सामने आ रहा है, मस्जिद शाही मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा करते हुए फिर से एक तरह की मकबूलियत, एक तरह की पॉपुलरिटी बटोरने की कोशिश MLA अभय पाटिल की जानिब से करने की बात कही जा रही है। लिहाजा उसी पस मंज़र में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान सुजीत मुर्गुन साहब। वो पिछले 12 साल से अभय पाटिल जो MLA थे उन्होंने कानूनी तौर पर ना सही गैर कानूनी तौर पर कई सारी मिल्कियत, कई सारी प्रॉपर्टियाँ बनाई है, लिहाजा उन्हीं के साथ वो मुकदमत में। सर सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल हमारे चैनल पर। ये अभय पाटिल का जिक्र जो फिलहाल चल रहा है, क्या ये वही अभय पाटिल है जिसको लेकर आप आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? सही है, वो उस वक्त भी 2012 में MLA थे, वही MLA साहब है। तो अभय पाटिल जी के ऊपर हमने 2012 में हमने उनको गलत तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाया है और करप्शन का पैसे से इन्होंने बनाया है, तो इसके बारे में तहकीकात करें ऐसा हमने लोकायुक्त कोर्ट में हमने दावा किया था। तो लोकायुक्त माननीय लोकायुक्त न्यायालय ने लोकायुक्त SP को एक गाइडलाइंस दी कि DY को इसमें अपॉइंट करें, बाद में इसका तहकीकात करके रिपोर्ट भेजे। तो अभी कभी करीबन मैं 10 साल नज़दीक होने के लिए आ गया, अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। वजह है नहीं, उनका पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा है, उसके वजह से आज हो रहा है। क्योंकि एंटी करप्शन पहला लोकायुक्त पुलिस का तहकीकात करती थी 2016 में, जब एंटी करप्शन ब्यूरो एस्टेब्लिश हो गया तो उसमें सभी जो हमारा तहकीकात किया हुआ लोकायुक्त पुलिस ने उसको ट्रांसफ़र किया गया एंटी करप्शन ब्यूरो में। तो एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने जो तहकीकात होता उसके ऊपर ये लोग अभी फाइनल रिपोर्ट करने का था, लेकिन उन्होंने दबाव में आके, सरकार के दबाव में आके, अभय पाटिल जी के दबाव में आके कर नहीं पा रहे थे। तो हमने 6 साल होते हुए भी अभी तक नहीं किया, तो हमने हाईकोर्ट में इसका बारे में SP SEBI के विरोध में एक पिटीशन दाखिल किया कि इतना साल से हम लड़ रहे हैं, अभी तक हमको न्याय नहीं मिला है और पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से, और मुझे भी धमकाया गया कि केस को विड्रॉ करो, 2 बार मुझे धमकाया गया और एक केस भी डाला गया मेरे ऊपर फेक केस, उसमें भी मुझे तकलीफ दिया गया। और उसके बाद में हमने किधर भी नहीं माना, तो फिर बाद में अभी पुलिस के ऊपर ही दबाव लाके, एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस के ऊपर दबाव लाके फाइनल रिपोर्ट नहीं सबमिट करना ऐसा वो लोग देख रहे, लेकिन हमने इसके खिलाफ़ हाईकोर्ट में इसके लिए गए थे, दाद मांगने के लिए गए थे। माननीय हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी को इसमें अपॉइंट किया और स्पेशल जज जो सुनील जत यादव है उन्होंने वो जिक्र की इसमें फाइंडिंग्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या हो गया था और ऐसा केसेस कितना पेंडिंग है, ऐसे भी देखे लॉ कमीशन रिपोर्ट और कई इसमें रिपोर्ट्स को लेकर उन्होंने एक ऑर्डर अभी ऐसा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ऑर्डर उन्होंने दिया, इंटरिम ऑर्डर। ये सारे प्रॉपर्टियां उन्होंने हड़प की ऐसा इल्ज़ाम है सर आपका, तो इसमें कहाँ तक जो आप ये जो जंग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत के दबाव में इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा एक दबाव में काम कर रहा है, तो फिर अगर आप जैसे सामाजिक खिदमतगार जो आप एक ज़माने से करते आ रहे हैं, आप पर इस तरह से अगर दबाव बनाया जा रहा है तो फिर आम लोगों को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी इसमें है ना, इसमें गाइडलाइंस भी आ गया, ऐसा कुछ अगर गलत भी करता है पुलिस ने तो उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी रहते हैं, उनके पास वो कंप्लेंट देके आप दाद मांग सकते हैं। अगर उसमें अगर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहते हैं वो गलत तरीके से तहकीकात वगैरह किया तो उसके ऊपर अभी एक्शन लिया जाएगा। इस ऑर्डर में भी आए वो, हाँ ऑर्डर में भी आए, तो सिर्फ एक करप्शन का केस उतना ही नहीं, तो उसमें पॉलिटिशियंस जो भी पार्टी का रहे, जो भी पॉलिटिशियन रहे, जो इलेक्टेड मेंबर रहेगा, उन्होंने अगर हिनस या नॉन हिनस कृत्य करते हैं तो उसके विरोध में हम दाद मांग सकते हैं। आप आज ये प्रेस डरना नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं बोलता किसी को कोई डरने का जरूरत नहीं, 10 साल से हम लड़ रहे, हमारे ऊपर भी बहुत परेशानी आई, दबाव आया, धमकी आई, अटैक करने का कोशिश किया, फिर भी हम पीछे नहीं हटे, हम भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ना है और बेलगाम के जो जनता को बचाना है और इसको एक संदेश रवाना करना है कि पूरा राज्य और देश में कि भ्रष्टाचार को रोकना है और बाद में देश को आगे बढ़ाना है, ताकि ये भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार से पैसे कमा के यहाँ पे कमनल करवाने का, दंगे करवाने का, राजकारणी जो लोग हैं उन लोगों को नीचे उतरने का है और देश को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये थे सुजीत मुर्गुन साहब, उन्होंने आखिर में पैगाम ये भी दिया कि अपनी सियासी मफाद हासिल करने के लिए दंगे करवाए जाएंगे या आपस में दरार पैदा करने की कोशिश की जाएगी, लिहाजा उन्होंने इशारे में बहुत कुछ कहा है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका संजीदगी से गौर करते हुए इस पर फैसला सुनाएगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।